सो गाइज, देयर्स टू टाइप्स ऑफ गेम्स इन दिस वर्ल्ड, टू टाइप्स ऑफ फुटबॉल गेम्स. एक होते हैं नॉर्मल लीग गेम्स जो कि एक टीम खेलती है दूसरे टीम के साथ, और एक होता है डार्बीज. फुटबॉल में एक डार्बीज का कॉन्सेप्ट होता है जो कि फॉर एग्जांपल एक सिटी होती है या एक स्टेट ले लो आप, और उसमें से जो दो टीम्स रहती है, फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर डार्बी, मैनचेस्टर में मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड एक डार्बी हो गई. फिर नॉर्थ लंदन डार्बी, लंदन की जो टीम्स खेलती है वो डार्बी हो गई. इंडिया का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कोलकाता डार्बी, जिसमें ईस्ट बंगाल और मोहन बगान होती है. बट गाइज, रिसेंटली जो एक गेम बहुत ही कह सकते हैं कि वर्ल्ड फुटबॉल में बहुत ही ज़्यादा अभी रिसेंटली बहुत हाइप बढ़ गया इसका, इस गेम का है, वो है लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी या मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल. सो गाइज, ये हाइप इतना बड़ा क्यों है? अगर आप ईपीएल देखते हो पिछले सीजन्स में, कुछ ईपीएल में मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल एक दो ऐसी टीम्स रही है जो जितने 4-5 सालों में द डोमिनेंट टीम रही है ईपीएल में एटलीस्ट. तो लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी का गेम तो आप एटलीस्ट एल क्लासिको से भी कंपेयर कर सकते हो. हाँ, व्यूअरशिप के मामले में आप उसको कंपेयर नहीं सक कर नहीं सकते हो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि व्यूअरशिप में एल क्लासिको से ज़्यादा लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी गैदर करती है, बट जो आप गेम की बात करोगे, अगर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल की इंटेंसिटी, गेम प्ले, टैक्टिक्स, माइंड गेम्स, गार्डियोला वर्सेस पेप, दुनिया के वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स लाइक जिसमें केविन डी ब्रुइन है, फिर पहले सर्जियो अग्वेरो भी थे, और उसके अलावा मोहम्मद साला है, वर्जिल वैन डाइक है, फिर मैनचेस्टर सिटी में रियाद माहरेज़ है, इदरसन है, काइल वॉकर, ब्राहिम स्टर्लिंग थे पहले. तो लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी एक ऐसा गेम बन गया है ना जिसका हाइप आप कोई भी फुटबॉल फैन हो वो लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी गेम देखना ही चाहेगा, अनलेस आप दोनों ही टीम्स को बहुत हेट करते हो या फिर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो, जिसके दोनों ही कॉमन एनिमी है लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी. तो अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो तो आप प्रॉबेबली इनके गेम नहीं देखते हो, फिर भी मोस्टली मेरे हिसाब से तो देखते होंगे. तो ये वीकेंड फाइनली लालीगा, अरे सॉरी, प्रीमियर लीग वापस आ रहा है. तो प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल है सैटरडे को, और ये गेम बहुत ही बड़ा होने वाला है. और बाय द वे, जस्ट अ रिमाइंडर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब राइट नाउ, बिकॉज मैनचेस्टर सिटी का इंडिया में कॉन्टेंट मेरे हिसाब से तो इतना कोई बनाता नहीं है, एंड आई एम अ ह्यूज मैनचेस्टर सिटी फैन. सो गाइज, सब्सक्राइब. अगेन बैक टू द गेम, ये सैटरडे को मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल है, और ये साल की भाई आर्सेनल ने जो फॉर्म दिखाई है भाई प्रीमियर लीग में, तो उसकी तो तारीफ बिल्कुल करना चाहिए. बट अगेन, मैनचेस्टर सिटी एक ऐसी टीम उभर के आई है जो प्रीमियर लीग टाइटल रेस में पिछले 5 सीजन से, मैनचेस्टर सिटी एक टीम है जो कि पक्का 5 सीजन में इन्वॉल्व रही है. 5 में से मेरे हिसाब से 4 4 कप्स तो मैनचेस्टर सिटी ने ही जीते हैं प्रीमियर लीग के, बट आर्सेनल इस सीज़न बहुत ही अच्छा खेल रही है. सो ये जो गेम है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर मैनचेस्टर सिटी जीतती है तो आर्सेनल पे थोड़ा प्रेशर बन जाएगा. हालांकि आर्सेनल अभी 8 पॉइंट्स क्लियर है जो कि बहुत ही बड़ा है, गैप है देखा जाए तो, बट अगर मैनचेस्टर सिटी ये मैच जीतती है एज सिटीजन्स मैं ये बोलूँगा, तो हम एक काइंड ऑफ टाइटल रेस में वापस आ सकते हैं और आर्सेनल के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट गेम जो आर्सेनल हमारे खेलने वाली है, जो एतिहाद पे खेलेगी आर्सेनल, और ऑलरेडी हमने एमिरेट्स में जाके जीत चुके हैं 3-1, बट अभी यहाँ पे एटीहेड में आके भी आर्सेनल को खेलना पड़ेगा. सो उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर बन जाएगा अगर ये मैच मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल सिटी जीत जाती है तो. बट इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज अगर आप रिसेंटली न्यूज़ देख रहे थे तो जो अर्लिंग हालैंड है, पहली बात तो अर्लिंग हालैंड के लिए एक लाइक कर दो भाई वीडियो, बंदा एक नंबर का रोबोट है भाई. उनका नाम तो मेरे हिसाब से, मैं उसको टर्मिनेटर बोलता हूँ. सो या अनरियलिस्टिक गोल स्कोरिंग है भाई की. सो बट अनफॉर्चुनेटली मैनचेस्टर सिटी के लिए अर्लिंग हालैंड अभी इंजर्ड हो चुका है. नॉर्वे जो इंटरनेशनल उनकी जो कंट्री है, वो गेम के पहले ही वो इंजर्ड हो गए थे. अब बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये इंजर्ड हुए हैं या फिर कोई मास्टर टेक्निक हो सकती है, पेप गार्डियोला का कोई दिमाग हो सकता है, बट जो भी हो, फिलहाल तो हॉलैंड अभी खेलने नहीं वाले मेरे हिसाब से, और उनको ग्रॉइन इंजरी हो गई है, और न्यूज़ में ये भी आया था कि मैनचेस्टर सिटी के ट्रेनिंग में भी वो दिखे नहीं थे. सो हालैंड इज आउट. सेकेंड, दूसरी बात यह है कि फिल फोडेन जो कि उनके एक अकेडमी प्लेयर है मैनचेस्टर सिटी के, उनको भी वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स मेरे हिसाब से अभी बोल सकते हैं एज ऑफ नाउ, वन ऑफ द बेस्ट यंग प्लेयर्स मेरे हिसाब से, तो बेस्ट यंग प्लेयर अभी फिल फोडेन ही है. किलियन एम्बापे को भी आप काउंट कर सकते हो, बट इंग्लैंड में तो मेरे हिसाब से फोडेन है.
सोफोडे में इंजर्ड है, इंजर्ड तो नहीं है, उनकी सर्जरी हुई थी इंग्लैंड गेम के बाद मेरे हिसाब से, जो इंटरनेशनल गेम्स थे यूरो चैम्पियनशिप क्वालिफायर्स, तो उनको अक्यूट अपेंडिसाइटिस हो गई थी। सो मेरे हिसाब से फिर वो सर्जरी कराया है और फिर देन वो बाहर हो चुके हैं। सो फोडेन एंड हालैंड इज़ मिसिंग। सो ये दो प्लेयर्स जो कि की प्लेयर्स हैं मैनचेस्टर सिटी के, पिछले कुछ मैचेस में उनका फॉर्म बहुत ही अच्छा रहा है, और फोडेन भी काइंड ऑफ बैक इन फॉर्म आ गया है। स्टार्ट ऑफ द सीज़न इतना अच्छा फॉर्म नहीं था, बट अभी बैक आ गया है। सो ये काइंड ऑफ यू नो एक पुशबैक है मैनचेस्टर सिटी के लिए। बट अगेन एक तीसरा बंदा है जिसकी हम बात करना ही पड़ेगा, वो है जूलियन, या फिर उनको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है हुलियन एल्वेरेस, जो कि अर्जेंटीना के स्ट्राइकर थे। और आपने अगर वर्ल्ड कप देखा है भाई पूरा, तो भाई पूरे वर्ल्ड कप में जूलियन एल्वेरेस ने ऐसा गेम दिखाया है, लाइक काइंड ऑफ यू नो एक वर्ल्ड कप की ही वजह से मेरे हिसाब से मैनचेस्टर सिटी ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम इनको लोन वोन पे नहीं बेच सकते। वैसे तो पहले ही डिसीजन ले लिया था, बट लोन वोन पे नहीं बेचना है इनको, कोई दूसरी टीम को नहीं देना है इनको, अर्जेंटली हमको सिटी में बुला के सिटी में ही खिलाना है। हालांकि उनको इतने चांसेस नहीं मिले, फिर भी उनका जो गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड है भाई बहुत ही अच्छा है, और उनको मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स फैंस उनको निकनेम मिला है एल आरानिया, जिसका मतलब है स्पाइडरमैन, द स्पाइडर। सो या उनका निकनेम है द स्पाइडर, और भाई स्पाइडर के जैसे गोल मारते हैं। उनके अंदर थोड़ा एक सर्जियो अग्वेरो की थोड़ी इमेज मुझे दिखती है, जिस हिसाब से वो शॉट्स, जिस पावर से शॉट्स मारते हैं। सो या अर्लिंग हालैंड के ना होने से जूलियन एल्वरेस को ज़रूर एक चांस मिलेगा, एंड आई होप कि वो चांस को ज़रूर लेंगे। मेरे हिसाब से तो पेप गार्डियोला को खिलाना चाहिए और जूलियन एल्वरेस को, बिकॉज वो बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर है। एंड सिटी को पास्ट में यही प्रॉब्लम्स रही है कि अगर कोई स्ट्राइकर इंजर्ड हो जाए तो सिटी के पास कोई दूसरे इतने ऑप्शन नहीं थे सिवाय अग्वेरो के, जब अग्वेरो थे। एंड अग्वेरो इंजर्ड होने की वजह से हमने देखा भी है पिछले सीजन्स में कि पूरा एक सीज़न ऑलमोस्ट मैनचेस्टर सिटी ने विदाउट अ स्ट्राइकर खेला है, और फिर भी वो लीग जीती थी विदाउट अ स्ट्राइकर। सो स्ट्राइकर के साथ तो और लीथल हो चुकी है हालैंड के साथ, और अभी दो दो स्ट्राइकर है हमारे पास, अर्लिंग हालैंड और जूलियन एल्वरेज, वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स। सो मेरे हिसाब से जूलियन एल्वरेज विल स्टेप अप टू द गेम। उसके अलावा मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा कि एडरसन, महरेज, अर्लिंग हॉलैंड, बर्नार्डो सिल्वा, रॉड्री, गुंडोगन एंड काइल वॉकर, एंड डिफेंस में नेथन आके एंड मैनुअल अकांजी हो सकते हैं, और जॉन स्टोन्स। तो चार मैन का डिफेंस हो सकता है। एंड फोर्डेन की जगह मुझे लगता है जैक ग्रिलिश स्टार्ट करेंगे, अनदर प्लेयर जैक ग्रिलिश, जिसको हम तारीफ करना पड़ेगा। बहुत लोग ने बोला भाई 100 मिलियन वेस्ट है इसके ऊपर, बट 100 मिलियन वेस्ट नहीं है, बिकॉज गार्डियोला ने उसको साइन ही नहीं किया था इतने सारे गोल्स और असिस्ट मारने के लिए। सिटी एक सर्टेन काइंड ऑफ फुटबॉल खेलती है, जिनको जिस जो नहीं जानता है सिटी को वो नहीं समझ पाएगा। एक सर्टेन काइंड ऑफ वे खेलता है पेप गार्डियोला, एंड हर प्लेयर का ना एक रोल होता है, एंड जैक ग्रिलिश का जो रोल है वो इस सीज़न वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहा है, निभा रहा है। तो मेरे हिसाब से जैक ग्रिलिश को स्टार्ट मिलेगा ही मिलेगा अगेंस्ट लिवरपूल, एंड आई होप कि मैनचेस्टर सिटी लिवरपूल जीते, बिकॉज दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम्स, इफ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम इन द प्रीमियर लीग टाइटल फाइट फॉर सिटी। उसके बाद एक दूसरी टीम है भाईस, अगर आपने टाइटल से पढ़ा ही होगा कि टॉटनम हॉटस्पर, जिनको बॉटलर्स भी कहते हैं प्रीमियर लीग के, एंड इनको टॉप 6 टीम में काउंट करते हैं, बट ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है कि इनको अभी काउंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एक दो सीज़न पहले भी बहुत लोग ने बोला था कि लेस्टर एक टॉप 6 टीम है रियलिस्टिकली, एंड टॉटनम नहीं है, बिकॉज उसके अच्छे रीजन्स भी थे। रीजन्स ये है कि भाई टॉटनम पिछले 20-22 साल में एक भी टाइटल नहीं जीती है, मेरे हिसाब से एक टाइटल बस जीती थी हैरी रेडनेप के अंदर, जब वो उनको मैनेज करते थे, शायद वो FA कप था या फिर लीग कप था, दोनों में से कोई एक था शायद। उसके अलावा 20-22 साल में टॉटनम ने कोई कोई भी कप नहीं जीता है, सिवाय वो ऑडी कप के, अगर आप उसको काउंट करते हो तो। और अगर आप उसको काउंट करते हो तो यू नो इट्स अ शेमफुल थिंग टू बी अ टॉटनम फैन एंड से कि ये भाई हमारी एक ट्रॉफी है। सो या बेसिकली टॉटनम अभी रिसेंटली भाई एकदम काइंड ऑफ रिपीट ऑफ द लास्ट सीजन हो चुका है, कि मिड सीजन में उनके कोच छोड़ के चले गए या फिर उनको निकाल दिया गया। एंटोनियो कॉन्टे, जो कि बहुत ही यू नो ही इज़ काइंड ऑफ द टॉप मैनेजर्स इन द वर्ल्ड, सो उनको निकाल दिया गया। बहुत दिन से ये मीडिया में बात थी कि एंटोनियो कॉन्टे माइट लीव एट द एंड ऑफ द सीजन, बट फाइनली मिड सीजन में ही उनको निकलना पड़ा उनके एक्सप्लोजिव इंटरव्यू की वजह से। जो इंटरव्यू में जिस हिसाब से उसने बोला कि टॉटनम के प्लेयर्स बहुत सेल्फिश है और यू नो वो एक दूसरे के लिए नहीं खेलते वगैरह वगैरह, सो टॉटनम के ऑब्वियसली बोर्ड ने उनको रिलीज़ कर दिया है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद। बट बात यहाँ पे नहीं ख़त्म होती है टॉटनम के लिए, बिकॉज भाई टॉटनम
क्या बोले भाई, स्पर्जी थिंग्स करते रहते हैं हमेशा, बिकॉज टॉटनम के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जिनका नाम है फेब्रिसियो पेट्रिसी, अगर आपको नहीं पता है तो सर्च कर लो, फेब्रिसियो पेट्रिसी जो है वो इटली से आए थे, जुवेंटस के मैनेजिंग डायरेक्टर थे शायद, और वहाँ पे उनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगे थे जिनकी वजह से उनको बैन करना पड़ा था, बैन हो गए थे इटली से, और जुवेंटस के पॉइंट्स भी डिडक्ट हुए थे ऑलमोस्ट 15 to 20, और यू नो काइंड ऑफ बहुत भारी भरकम इल्ज़ाम। फिर वो इटली से छोड़ के इंग्लैंड में आ गए, टॉटनम ने उनको हायर कर लिया मैनेजिंग डायरेक्टर, और ऑलमोस्ट एक साल भी नहीं हुआ है और वापस उनके ऊपर एक वर्ल्ड वाइड बैन लग गया है फीफा की तरफ से। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि भाई अब वो टॉटनम में, पहले तो वो सिर्फ इटली में बैन थे, अब वो वर्ल्ड वाइड बैन हो चुके हैं, यानी कि कहीं भी वो कोई भी रोल नहीं कर सकते, यानी कि टॉटनम अभी विदाउट कोच, विदाउट अ मैनेजिंग डायरेक्टर, विच इज़ अ बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट पोजिशन टू हेल्ड इन अ फुटबॉल क्लब। सो या टॉटनम तो भाई, टॉटनम मेरे हिसाब से क्लाउन क्लाउन क्लब ऑफ द प्रीमियर लीग बोल सकते हैं, बट टॉटनम फैंस, या आई फील बैड फॉर यू, और इसके अलावा आई होप टॉटनम के लिए कुछ अच्छा हो। अभी ये सीज़न तो कुछ नहीं वाला है, एंड ऑफ द सीज़न तक मेरे हिसाब से जो इंटरिम कोच और मैनेजर है रायन मेसन, वही करने वाले हैं। उसके अलावा तो टॉटनम के मुझे कुछ अच्छे दिन आने वाले दिख रहे नहीं हैं, बट या अच्छे दिन आई होप मैनचेस्टर सिटी के आए, और अच्छे दिन आए हैं इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए, बिकॉज हीरो सुपर कप इज़ बैक। हीरो सुपर कप आपको नहीं मालूम है तो काइंड ऑफ एक लीग टाइप, लीग एफए कप और लीग कप जैसा एक कप टूर्नामेंट है जिसमें आई लीग की टीम्स और ISL की टीम्स दोनों भी खेलती है। सो 4 साल बाद ये हीरो सुपर कप टूर्नामेंट वापस आ रहा है, एंड आई हैव टू से बहुत थोड़ा एक्साइटमेंट लग रहा है, बिकॉज इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए इतना कुछ एक्साइटिंग पहले रहता नहीं था, बट ये सीज़न से थोड़ा एक्साइटिंग चीज़ें हो रही है इंडियन फुटबॉल में, एंड हीरो सुपर कप इज़ बैक 4 साल बाद। 2019 में लास्ट बार हुआ था, FC गोवा जीती थी वो वाला एडिशन मेरे हिसाब से, एंड यस उसमें 11 टीम्स रहेगी जो कि 11 ISL के टीम्स रहेगी, और बाकी जो एक स्लॉट है वो आई लीग के विनर जो कि राउंड ग्लास पंजाब FC जो कि आई लीग के विनर थे, तो उनको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल गया, तो 12 टीम ये हो गई, और 4 जो है वो एक क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे, बाकी जो बची हुई आई लीग के टीम्स हैं 7 या 8 टीम्स वो एक क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे, और फिर उसके बाद टोटल 16 टीम्स खेलेगी हीरो सुपर कप में। तो 3 तारीख को क्वालिफाइंग राउंड स्टार्ट होएगा, एंड 8 तारीख को हीरो सुपर कप ग्रुप स्टेज स्टार्ट होएगा, एंड इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट भी है बिकॉज ये जो है एक AFC एशियन पोजीशन होल्ड करता है, यानी कि जीतने वाले को एक एशिया कप में चांस मिल सकता है जो कि यूरोपा लीग के इक्विवेलेंट है एशिया का। सो या हीरो सुपर कप इज़ बैक, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल ऑन द वीकेंड, सो फुटबॉल में बहुत कुछ है और भी दूसरी चीज़ें हैं, बट मैनचेस्टर सिटी, एज अ फैन ऑफ मैनचेस्टर सिटी, आई विल होप कि ये वीकेंड मैनचेस्टर सिटी विन्स, एंड यू आर, इफ़ यू आर ऑल्सो मैनचेस्टर सिटी और इंडियन फुटबॉल फैन एंड यू हैव वॉच माई वीडियो टिल नाउ, अभी तक आपने देख लिया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा है, और मैनचेस्टर सिटी के मेरे हिसाब से कोई दूसरा है भी नहीं यूट्यूब चैनल वगैरह। सो इफ़ या इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब, एंड मेरा टारगेट है ये ईयर तक, एंड तक 10,000 सब्सक्राइबर्स, बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट है, बट अगेन सब्सक्राइब कर देंगे तो इट विल हेल्प मी, एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव माई यू नो क्वालिटी ऑफ वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट्स गो ब्लूज़। और बाय द वे, वो जो पीछे आपको मैच दिख रहा है वो UEFA वुमेंस चैम्पियंस लीग का है।